क्या महागठबंधन को राहुल का चेहरा कबूल होगा? इसी सवाल के साथ रागी जी आप बता दीजिए मुझे, आप क्या समझाना चाहते थे? आपने कहा कि ये तो सीधी सीधी कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की हार नहीं है, और कांग्रेस को जनता ने जो समर्थन दिया वो मोदी वर्सेज जनता होगा या मोदी वर्सेज राहुल होगा? देखिए, ये तो एक नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, ये एक चलाए जाने की बात है कि मोदी वर्सेज जनता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी पूरा जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि सड़कें बनवा रही हैं तो जनता के खिलाफ बनवा रही है। 13,000 गांव पूरे देश को बिजलीकरण कर दिया गया तो गलत हुआ है। यदि वो उज्ज्वला योजना है तो गलत हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रधानमंत्री ने देश में एक बदलाव की बयार डाली है। हमारी स्थिति क्या है कि हम यथा स्थिति वाद के, लेकिन आप मानेंगे कि इस बार आप जरा एक मिनट सर, मैं इसी में जोड़ रही हूँ, बस कर रहा हूँ इसके बाद आप मुझे, मैं आप बताइए कि टैक्स पेयर्स, आप 4 करोड़ का टर्नओवर है और आप 1 पैसा टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं। यदि डिजिटल इकोनॉमी हुआ तो क्या ये मोदी जी का जेब में जा रहा है या देश का ही फायदा हो रहा है? आज भारत के पास यदि सबसे ज़्यादा यदि फॉरेन रिजर्व्स आज तक सुरक्षित है, कल आप युद्ध में जाते हैं, कल आप कोई बड़े वेलफेयर योजना के लिए जाते हैं, तो आप सोचिए आप किस स्थिति में इकोनॉमी को ला रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इस देश का जो गवर्नेंस था आज तक वो एडहोकिज्म पर चलाया गया है। ये कितनी गलत बात है कि भारत में आज एक राइफल तक नहीं बनाया जाता है जिसको आप वर्ल्ड, देखो ये सारी चीजें ठीक है, मुझे तो ये बताइए, चुनाव पे आती हूं मैं, मुझे ये बताइए, एक वक्त था जब मोदी लहर इतनी प्रभावी थी कि जो आदमी ने, मैं राजस्थान से हूँ सर, और राजस्थान में बता रही हूँ सर अवधेश जी, इतने लोगों को, इतने नए चेहरों को टिकट दिए थे बीजेपी ने जिनका नाम कभी मैंने नहीं सुना था। उन्होंने फील्ड में काम किया नहीं किया मुझे नहीं पता था, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के सामने उतारे गए थे कि समझ आ रहा था कि कोई नहीं जिता सकता इनको। उस मोदी लहर ने, मैं खाली राजस्थान की भी बात कर लूँ, 200 में से 163 का मैंडेट दे दिया उनको। मतलब मोदी लहर इतनी प्रभावित कर रही थी लोगों को कि उन्होंने और सिर्फ मोदी को दिमाग में रख के वोट दे दिया। क्या आज ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जब 68 कांग्रेस के पास सीटें आती हैं 90 में से, तो ये मान लूं कि मोदी ने चाहे कितनी रैलियां की हो वो हवा को अपनी तरफ नहीं कर पाए। लोग मोदी को ध्यान में नहीं रख रहे थे, उनके दिमाग में डॉक्टर रमन की नीतियां थी, डॉक्टर रमन के किए हुए काम थे, या डॉक्टर रमन का 15 साल का कार्यकाल। आपने बहुत सही कहा है। देखिए, ये चुनाव लोकल स्तर पर था, और जब मैं उदयपुर गया था, जोधपुर गया था, तो आज से 1 साल पहले एक नारा चल रहा था वहाँ, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2019 की फिजा जो होगी वो बिल्कुल बदली हुई फिजा होगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई नहीं खड़ा है, हाँ वहाँ के लोकल लीडरशिप के खिलाफ जरूर एक प्रकार का आक्रोश व्यक्त किया गया है। और एक और भी बात है, वो तो सिर्फ जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो शिवराज के खिलाफ कोई नहीं हुआ। मैंने कहा ना, एससी एसटी एक्ट के खिलाफ जो वातावरण बना उसमें स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। अयोध्या और हिंदुत्व पर सेंटर को अपनी पॉलिसी तय करनी थी, जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व दिया उसकी काट सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी थी, जो नहीं किया। अयोध्या पर अगर बोले भी राजस्थान में, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला कि कांग्रेस जो है रास्ता में अड़ंगा अटका रही है, इंपीचमेंट मोशन ला करके और जजों को जो है वो धमकी दे रही है, ये जजों को डरना नहीं चाहिए। भाई आप कांग्रेस के, अब आप क्या कर रही है बताइए, लोगों को उन्होंने दिया नहीं। अब आदित्यनाथ जोगी को आप दे रहे हैं, आदित्यनाथ जोगी पर क्या बोल सकते हैं? आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना है। अध्यक्ष जी, बस मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। देखिए, पिछले 4 महीने से, देखिए चुनाव जीतने का स्क्रिप्ट जो होता है ये होता है कि आप नैरेटिव सेट करते हैं, आप एजेंडा सेट करते हैं, और विपक्ष उस पर आपकी प्रतिक्रिया देता है, तब आप तो जीत का रास्ता। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का एजेंडा सेट किया था पूरे देश के लिए, और विपक्षी पार्टियां प्रतिक्रिया देती गई, पूरी बयार बह गई नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नैरेटिव दिया और विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी उसमें फंसती हुई नजर आएगी। हम पिछले 4 महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाग्यवश नैरेटिव राहुल गांधी के हाथों में छोड़ दिया।
अपने नैरेटिव आप मान रहे हैं ऐसा छोड़ दिया सर कि उसने ले लिया दोनों बातें क्या काबिल बन गया दोनों बातें होती है ऐसे कोई छोड़ता नहीं है सर ले लिया इतना मत बचाइए आप रागी जी आप आरएसएस के प्रवक्ता है भाजपा के इतना रक्षण मत करिए मैं कहूंगा अच्छी बात है कि मान रहे आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं ठीक है लेकिन आरएसएस के मैं एक प्रोफेसर हूं जिसका जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है ठीक है मैं समर्थन मान लिया इसको मान लिया मैं प्रवक्ता नहीं मैं मान लिया इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता हर आदमी चाहेगा कि जो पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के 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 ये खड़ी होती है उसका हम समर्थन करेंगे और एक बात और भी आप तनों में पानी देकर के पौधे को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं एक संस्कृत की एक कहावत है संस्कृत की एक कहावत है योधुर्वाणी परितज्य योधुर्वाणी परितज्य अधुर्वाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अधुर्वम नष्ट ये भाजपा को जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जाता है अनिश्चित को नष्ट होता है निश्चित को ध्यान कुछ दिखाना चाह रही थी मेरी डिबेट का वो पैनल का वो देख पा रहे हो तीन लोग हैं लेकिन पहले ऐसा होता था कि दिनेश जी की जगह अगर मैं कांग्रेस को रख लूं तो वहां पर ज्यादा आवाज होती थी संगीत रागी जी बहुत गंभीर धीर गंभीर बैठते थे आज बदल रहा है आज उलट गया क्या वाकई वक्त कांग्रेस की आवाज आवाज भी है और शायद बीजेपी हो तो धीमी आज हो जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं नहीं रागे जी प्रोफेसर है विश्लेषण अच्छा करते हैं अच्छा विचार भी अपना सही ढंग से रखते हैं लेकिन अब सवाल है कि अब जो उन्होंने अंत में वाक्य कही उसका दोनों अर्थ है अब उसको बीजेपी समझे कि जो आपका निश्चित है उसको छोड़ के आप अनिश्चित की ओर बढ़ गए आपकी जो पहचान है माने न खुदा ही मिले न विशाले सनम न आप कांग्रेस बन सके न भाजपा रहे जैसे बीजेपी राहुल गांधी ने कांग्रेस को जनता की नजर में आंशिक बीजेपी बना दिया उसको जब मालूम था कि हमको ये वोट चाहिए कि हम मुस्लिम प्रस्त पार्टी हैं ये हमारी छवि टूटे उसने कोशिश की और बना दिया और आप जो है कांग्रेस बनने की कोशिश करते रहे कि अब हमारी छवि जो है थोड़ा ये बने तो आप वो भी नहीं बने यहां भी नहीं वो जो अंतिम श्लोक बोले हैं ना अधुर्वाणी परित्यज्य वो महत्वपूर्ण है तो दिनेश जी ये अंतिम श्लोक क्या आप लोगों के लिए तो नहीं था कि बाद में पानी देकर तनों में पानी देकर आप अचानक समझने लगे कि पौधा हम बड़ा कर रहे हैं देखिए मैं आपको एक बताऊं जैसे अभी रागी जी बोल रहे थे इन्हीं अहंकारों की वजह से बीजेपी जहां से वहां से यहां आ गई है एक बार जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा दे सकता है तो धोखा देने वाले की गलती होती है अगर दोबारा देते हैं तो खाने वाले की गलती है एक बार बीजेपी के चुनाव मुझे आजकल सर आजकल समझ नहीं आता कि मतलब किस कौन से पार्टी का प्रवक्ता कौन है सब एक तरह से बात करते हैं नहीं मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इनका अहंकार इनके सर पे चढ़ चढ़ के बोला जिसकी वजह से आज ये दिन और मैं आपको बता दूं अब गिनती घटने पे आ गई है आने में इनको बहुत समय लगा जाने में बहुत समय नहीं लगने वाला है ये निश्चित तौर पे जाएंगे देखिए एक लोकतंत्र की क्या तर्क है आपका बता रहा हूँ वही बता कैसे जाएंगे हाँ बता रहा हूँ गठबंधन बनाएंगे अरे मैं बता रहा हूँ सुनोगे तो ये भी तो आपका अहंकार हो सकता है यार लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा रही है कि एक अगर मजबूत सरकार है तो उसके सामने विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए सही हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं विपक्ष विहीन कर दूंगा मैं कांग्रेस मुक्त भारत को कर दूंगा ये प्रधानमंत्री को शोभा देता था ये आज तक कभी कांग्रेस ने कहा कि हम बीजेपी मुक्त कर देंगे या बीजेपी को यहां से भगा देंगे इस तरह की बात अहंकार और सोने में सुहागा चलो प्रधानमंत्री इनके प्रवक्ताओं को देखिए इनका सुबह से शाम तक ये काम होता था दिन निकलते ही राहुल जी को सोनिया जी को इंदिरा जी को नेहरू जी को जब तक ये पेट भर भर के गाली नहीं देते थे तब तक ये चैन से नहीं सोते थे आज भारत की भोली भाली जनता देख रही है इस बात को इन्होंने कोई काम अभी रागी साहब कह रहे थे कि नेगेटिव फिट किया अगर आपने कोई काम जमीन पे किया होता तो आपका ये हशर ना होता आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आप मुझे जैसे अवधेश जी ने कहा अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई बीजेपी को जिता या एनडीए को करो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को जिताओ नरेंद्र मोदी ये करेगा ऐसे ही इन्होंने उसमें मैनिफेस्टो में कहा कि आप मेरे को मेरी पार्टी को मजबूत करके लाओ संसद में पहुंचाओ पूर्ण बहुमत दो मैं राम मंदिर बनवाऊंगा
तो जनता तो इनके इनके नहीं था सर, सर ऐसा जनता इनके बेकावे में आई, जनता इनके नहीं नहीं उसमें इन्होंने लिखा था कि आप पूर्ण बहुमत से अगर नहीं 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 लास्ट पेज पर था, लास्ट पेज पर था, नहीं माना जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं लिखा था ना सर, आप मुझे बहुमत दो, मैं ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था सर, मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल नहीं लिखा था, मैं लिखा था पूर्ण रूप से मुझे नहीं नहीं ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ दो पंक्ति लिखा हुआ है कि राम वहां अयोध्या में भव्य मंदिर राम निर्माण में बीजेपी की आस्था है, संविधानिक जो भी संविधानिक उपाय होंगे राम मंदिर निर्माण के रास्ता प्रशस्त करने का वो कदम भाजपा उठाएगी। मैं आपसे दो पंक्ति लिखी हुई हूं, इनको अगर इच्छा शक्ति होती तो पहले ही सदन में ये उसका बिल लेके आते भगवान श्री राम मंदिर का, ये उन्होंने कहा नहीं था, अरे नहीं कहा था तो भगवान राम भगवान अच्छा, राम आप लोग जीतेंगे तो बनवा दीजिएगा, की बात करते आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मंदिर बनवाएगी अगर जीत गई, अगर जनता कांग्रेस पे विश्वास करती है तो भगवान राम का मंदिर वहीं बनेगा जहां बनना चाहिए, ये कांग्रेस का एजेंडा है, जैसा सीपी जोशी जी ने कहा है कि अभी उन्होंने नहीं बनवाया, कांग्रेस मंदिर बनवाएगी, उसके लिए कानून लाए, विधेयक पास, कुछ भी करे, लेकिन इनके बहकावों में अब जनता नहीं आएगी। आप मुझे एक बात और बताइए, इन्होंने कहा एक सेकंड में आकर तो सीपी जोशी ने ये भी कह दिया था, अरे वो छोड़ दिया सीपी जोशी, ब्राह्मण हिंदू नहीं होता, ये कहने की बात मेरे को आप एक बार बताइए, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ राजबब्बर साहब ने एक अलग अलग जग गई सर, राजबब्बर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि आज रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदरणीय माता जी की उम्र से ऊपर चला गया है, तो इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी सभा में कहा, तो क्यों एक मिनट कि मेरी माता जी को गाली दी जा रही है, बहनों भाइयों आज आप सुबह उठते हो तो राहुल गांधी की माँ को कहते हो कि वो बार बाला थी, नहीं, वो जर्सी गाय थी, और फिर ये कहते हो कि मेरी माँ पॉलिटिकल नहीं, आप नहीं नहीं आप जर्सी भाई नहीं कर सकते, अगर एक पॉलिटिकल माँ है तो आप उसको गाली दोगे, नहीं कर रही, अगर आप उनकी माँ पॉलिटिकल है तो आप उनको जर्सी गाय कह दोगे, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना इस भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, ना ऐसी सोच रखती हूँ, ना ऐसे विचार है मेरे, यही अहंकार था जो इनको लेकर बैठा, वही लेकर बैठेगा इसको, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे मत बताओ, यही अहंकार था, आप जाने आपकी कांग्रेस जाने भाई, मेरे को क्या है, मैं किसी पार्टी से नहीं, लेकिन उसी बात मैं अपने देश की बात करती हूँ, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तेवर में बोल रहे हैं, जिस अहंकार की आप आलोचना कर रहे हैं, आपकी भाषा और तेवर में वही अहंकार दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, पहले नहीं नहीं, आप दूसरी बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इंदिरा जी को गाली दे रहे हो, आप सुनेंगे तब ना, आप नेहरू जी को गाली दे रहे हो, सुनेंगे तब ना, आप पॉलिटिकल है, ये डिबेट है, डिबेट है, ये बात गलत है, दिनेश जी ये डिबेट है, जरा प्लीज मैं भी डिबेट में बात कर रहा हूं, तो आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, नहीं आप ये सर डिबेट ये नहीं है ना, डिबेट तो मेरा ये है कि आप जो भी कह रहे हैं, आपके जितने बड़े नेता हो क्या सब लोग ये मान लेंगे, दीपक मैं इसी सवाल के साथ वापस आ रही हूं, देखो एक से मैं कहूं, लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया है और वो देश में खूब चला, लोहिया जी संसद में नेहरू जी की बखिया उधेरते थे खड़ा होके, जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी की बखिया उधेरी, मुरारजी भाई ने बखिया उधेरी, राजनीति में होता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, गाली गलौज नहीं हुई, लेकिन नारा था गैर कांग्रेसवाद का, ऐसा नहीं रहा है, आप गैर भाजपावाद का नारा दीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन गंदी राजनीति नहीं है, विपक्ष पर हमला ऐसे किया जाता है राजनीति में, आप उस पर हमला करिए, इसमें कोई गाली नहीं है कि हम कांग्रेस से देश को जो है पराजित करना चाहते हो, क्या कहे कि कांग्रेस को बनाए रखो, आप कहेंगे कि भाजपा को बनाए रखो, आज तक किसी इससे, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर बनाए कौन था, आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अभी एक डिबेट में देखा गुजरात की में के भारत के, अरे बीपी सिंह राजीव गांधी चोर चोर करके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मेरी मौत की साजिश रच रहे थे, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ, सिर्फ ये वो अपना राहुल राजीव गांधी की सरकार इसलिए गजाई की आ गया कि उनके खिलाफ साजिश रचा जा रहा है, चंद्रशेखर जी के यहाँ, आपको आपको जानकारी नहीं है, समझ गए हैं इनकी भावना, इनकी जो बातों में नहीं आने वाले, और ये तो चुनाव हुआ है, मैं चुप हो जाऊंगा, ये चुनाव जो है ये उसका राह दिखा रहा है, इस पे मत आइए, विक्टिम कार्ड पर मत आइए, फिर विक्टिम कार्ड पे मैं बताऊँ कांग्रेस कितना विक्टिम कार्ड खेली है आज दिन तक, ऐसा नहीं होता, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, जनता देख रही है, जनता ने आशीर्वाद दिया ना, विक्टिम कार्ड अगर खेलती तो और मतलब वो होता, जनता ने
आशीर्वाद दिया। मेरा सवाल यही था आपसे सबसे पहला कि जनता ने आशीर्वाद आप लोगों को दिया है कि जनता दूसरा विकल्प ढूंढ रही थी बस। नहीं तब तो ऐसे कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा मध्य प्रदेश में आपको बहुमत नहीं मिली, आपसे 47,827 वोट कांग्रेस को ज्यादा है, राजस्थान में आपको केवल 1,77,000 वोट ज्यादा है। सुनिए पहले जवाब दे चुका था कि ये कांग्रेस की जीत है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उस तर्क पर मैं कह रहा हूँ कि मंदसौर जिसका हंगामा हो रहा था मंदसौर से बीजेपी जीत गई कि किसानों के खिलाफ है। अगर मुझे बोलना हो तो मैं बहुत सारे फैक्ट रख सकता हूँ, मैं कांग्रेस को भी जानता हूँ, मैं सोनिया जी का भी इतिहास जानता हूँ, राहुल जी का जानता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है देखा है, आपने ऐसा सवाल उठा दिया कि बोलना पड़ रहा है कि ये सब इस देश में पहले भी हुआ है, आज नहीं हो रहा है। इस देश में कांग्रेस के खिलाफ आजादी के बाद से एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपको मालूम है जेबी कृपलानी, कांग्रेस को त्याग पत्र देकर वो समाजवादी पार्टी में चले गए, उन लोगों ने विद्रोह किया, वल्लभ भाई पटेल के बेटा स्वतंत्र पार्टी में जा रहे थे, मणिबेन पटेल ने उनको पवार ने सोनिया गांधी का विरोध करते हुए पार्टी बना लिए कि हम नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे। रामविलास पासवान जी ने बड़ी इज्जत दी थी मोदी जी को क्या? कैसी कैसी गाली जो आज उनके मंत्री बने बैठे हैं, आप नसीब भाई कर रहे हो उस बात को क्या? मैं आज की बात करिए, 47 की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं हुआ है तो बता रहा हूं 47 तक ना जाकर। अभी भाई एक पत्रकार के नाते मुझे दर्शक को बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें पहले हुई है, अगर भाजपा का कोई बैठा होता और कांग्रेस के बारे में बोलता फिर मैं उसको भाजपा को समझाता कि हां आप पर कैसे कैसे हुए हैं, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपने एक बात की है तो मुझे जिम्मेवारी है देश को बताना कि इस देश में एक बड़ी लड़ाई हुई है कांग्रेस के खिलाफ और इंदिरा जी पर किन किन नेताओं ने क्या क्या बोला है, मैं अभी बता 200 किताब है। देखिए अब मैं इस पे नहीं आ रही, मेरा सवाल इसीलिए ये था कि अगर आप लोग अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं तो तीन राज्यों की जीत के साथ आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। दीपक एक बात बताइए, क्या आप इसको कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानते हैं? मध्य प्रदेश में आपके समर्थन से आई, राजस्थान में जिस मैंडेट को ये समझ रहे थे वो मैंडेट नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में मान रही हूँ, छत्तीसगढ़ मान रही हूँ कितनी बड़ी जीत है, लेकिन क्या तीनों राज्यों में उस जीत को बहुत बड़ी माना जाए? नहीं देखिए माधवी जी, ये मैं कहूँगा जैसा बहन जी ने भी बोला है कि क्या है, जनता के पास विकल्प नहीं था और जनता के अंदर असंतोष है, ठीक है, तो उन्हें क्या था कि भाजपा को हराना था, एक ही जनता का मोटिव है कि भाजपा को हराना है हमें, क्योंकि इन्हें भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, तो उन्हें लगा कि कांग्रेस को वोट दिया इसलिए कांग्रेस विजयी हुई है। ऐसा कोई कांग्रेस के पास तो कोई खास एजेंडा भी नहीं था कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी की बनाई हुई सिल्वर लाइन या बीजेपी के द्वारा खींची गई लाइन पे ही काम कर रहे, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा था या फिर राम मंदिर का एजेंडा था, जो भी एजेंडा उन्हीं एजेंडा पे ये चलने लगे, मतलब कहा जाए तो सीधे शब्दों में कि बीजेपी के बनाए हुए पद चिन्हों पर चल करके इन्होंने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इनको फायदा हुआ, लेकिन जो जनता की नाराजगी और आक्रोश की वजह से वहां पे विजय मिली हुई है, और ये कहा जाए कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा या पर्टिकुलर एजेंडा के बल पे जीत दी गई हो तो ये लोग बता दें कि कौन सा एजेंडा था, ऐसा कुछ नहीं एजेंडा था, ये बस जनता का आक्रोश था और ये वो वहां पे बड़ी पार्टी के रूप में थे इसलिए उनको वहां पे जीत मिली हुई। बिल्कुल, जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवीआर जी, ये महत्वपूर्ण बात है, नेतृत्व करने वाली पार्टी अपना क्या एजेंडा है ये तो आगे बताएगी, ये तो बताएगी। जीवीआर शास्त्री साहब, आपसे भी यही सवाल होगा मेरा कि ये जीत वाकई राहुल गांधी की जीत की तरह देखी जाए या फिर बीजेपी के प्रति उनका गुस्सा देखा जाए, जनता का गुस्से के रूप में देखा जाए। राहुल गांधी पर विपक्ष की राय आज भी एक मत पर नहीं है। ममता बनर्जी कहती है वो जूनियर नेता है, तेजस्वी यादव से पूछिए। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव क्यों बता रही हूँ आप समझ लीजिए, कोट इन कोट कर रही हूँ। तेजस्वी यादव कहते हैं जो दल जहां जिस जगह पर मजबूत होगा उसी को नेता चुना जाएगा। अखिलेश कहते हैं पार्टी को मजबूत करेंगे फिर उसके बाद महागठबंधन की सोचेंगे। मायावती कहती है कि इस बार जो तीन राज्यों के चुनाव आए लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर वोट दिया। क्या ये मान लिया जाए कि अब महागठबंधन की जो बात जो अभी तक विपक्ष करता रहा है उस महागठबंधन की बात में राहुल को सबसे बड़ा नेता माना जाएगा? और इसीलिए जीवीआर शास्त्री जी मैं आपके पास आ रही हूं, रेगुलर लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई राहुल जी का कद तो अब बढ़ ही गया है क्योंकि तीन राज्यों में उन्होंने जो जीत दिलाई, अब वाकई मानते हैं ये राहुल की जीत है, ये कांग्रेस की जीत है, या फिर ये बीजेपी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आक्रोश, लोगों के पास और कोई बड़ी पार्टी थी नहीं कि वो वोट और किसी को देते?
सी ऐसा है, 2014 में बीजेपी की जीत नहीं थी, वो कांग्रेस की हार थी, और अभी जो जो परिणाम आ रहा है, 2014 में बीजेपी की जीत नहीं थी, वो बीजेपी की जीत नहीं थी, वो कांग्रेस की हार थी। और 2019 अभी जो 18-19 में जो चलेगी वो बीजेपी का ही हार है, और कांग्रेस की जीत आप कह दो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम आ गया, ये जिनकी ये पार्टियां जो मन में आए वो बोल देंगे लेकिन करेंगे भी नहीं। अर्थव्यवस्था जो है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, क्योंकि एंटी इनकमबेंसी इतना ज्यादा हो गया मध्य प्रदेश में, सच में शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो आदमी को इस तरीके से मुसीबत आया, जितने भी एंटी इनकमबेंसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो लेकिन बात ये है, राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करके ऐसा नहीं है, वो पार्टी पार्टी अपनी अपनी मकसद है, अपनी अपनी बात है, ये इनको अपनी अपनी बात को रखना चाहिए होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अपनी अपनी स्टेट के अंदर अपनी बात को रखना होता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, जिस तरीके से ये जो बातें हो रही थी, जैसा इकोनॉमिकल पॉलिसी था, बायलैटरल पॉलिसी था, रुपए का था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का था, एसेंशियल कमोडिटीज का था, फार्मर्स का था, बेरोजगारी थी, इस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे इतना बढ़कर ऊपर आए, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। ये राम मंदिर को पूरा दरकिनार कर दिया, राम मंदिर बनाया नहीं। वो तो बीजेपी के एजेंडे में था, वो तो बीजेपी के एजेंडे में था, कांग्रेस ने भी तो यही किया, कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस ने कभी वोट नहीं मांगे, कभी पिछली बार क्या कांग्रेस ने वोट मांगेगा, हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस ने कहा कि ये नहीं बना सकते, हमारे सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने 200 बार टीवी डिबेट पर कहा कि शिलान्यास हमारे समय हुआ है, ताला हमारे सामने खुला है, मंदिर भी हमारे शासन काल में बनेगा। सीपी जोशी ने कहा कि कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री ही मंदिर बनाएगा, अरे इतना बात जोर, अभी तो इलेक्शन हो गया, इतनी जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, चुनाव हो गया, हार गए। वो न्यूट्रल है सर, वो तो आपको याद दिला रहे हैं खाली, मेरी तरह याद दिला रहे हैं सर, मैं याद दिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इस बार देश की जनता बनाएगी, और राम मंदिर आप बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 2014 में बीजेपी की जीत नहीं थी, कांग्रेस की हार थी, और 2018-19 में कांग्रेस की हार नहीं है, बीजेपी की हार है, कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की हार है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 2014 में जीते बीजेपी, तो वो कांग्रेस की हार थी इसलिए जीते। देश की जनता थक गए, देश की जनता इतनी परेशान में है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे। रिजल्ट ऐसा नहीं बता रहा, नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट सच में ऐसा ही कह रहे हैं अवधीश जी, आप रिजल्ट ऐसा नहीं बताए ना, रिजल्ट देखिए, अगर जनता थक जाती तो आज राजस्थान में बीजेपी के पास 75 सीटें हैं, 75 भी नहीं, 73 भी नहीं होती सर, 70+ नहीं होता, वहां पर कांग्रेस को 21 सीटों पे छोड़ा था बीजेपी ने, इतना बड़ा मैंडेट था। नहीं नहीं, रमन सिंह का भी पूरा सफा हो जाना, और से बगल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट थे, बाद में अलग हुई। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अभी तो मध्य प्रदेश की जनता अभी तो किसी और को विकल्प की तरह देख रही थी। 115 एंटी इनकम्बेंसी थी, नहीं विकास की बात की साथ साथ एक एंटी इनकम्बेंसी था जो केंद्र की सरकार की तरफ से थी। हाँ, तो वही तो अगर केंद्र की नीतियों की वजह से था, तो ये बताइए कि उन केंद्र की नीतियों से अब लड़ने के लिए क्या राहुल गांधी को चेहरा बना दिया जाएगा, और चेहरा बना भी दिया जैसे दिनेश जी कह रहे हैं हमारे सबसे बड़े नेता है, भाई आपकी सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ा विपक्ष है, तो आपके सबसे बड़े नेता वही होंगे, लेकिन क्या यहाँ पर बैठने वाले बीएसपी बताइए वो मान लेंगे, क्या मायावती जी मान लेंगी, क्या ममता जी मान लेंगी, क्या सीताराम येचुरी मान लेंगे, क्या आपके अखिलेश यादव मुलायम सिंह के सामने मान लेंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान में जरूरत है ना जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को साथ देना ही पड़ा, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों को साथ देना ही पड़ा, माने ना माने। हा 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 सर दीपक, ये तो ये हो गया, पांडे जी
ये तो ये हो गया, आप आपके अब आपको अब आपको कांग्रेस आंख दिखा सकती है कि आप हमारे बिना कुछ नहीं है, साथ देना ही पड़ा, मजबूरी थी, आप तो कहां जाते दो सीटों के साथ, नहीं बीजेपी के साथ जा नहीं सकते माधुरी जी, राजनीतिक नहीं माधुरी जी, ये राजनीतिक विश्लेषक जी ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये राजनीतिक विश्लेषक किस आधार पे बात कर रहे हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी बीजेपी का कहां से उठा के फंडा कहां चिपका दे रहे हैं, कांग्रेस का उठा, कोई एक स्पेसिफिक बात करिए, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो एक कोई एनालिसिस की बात कीजिए, डेटा दीजिए, आप कुछ भी, मतलब आप तो ये वाली बात हो गई कि कहीं से लाकर के बाद बीच में पटक दो लोग आपस में लड़ पड़े, देखिए क्या है कि आप लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे में बात कीजिए सर जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हो सर जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो आप, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आपको पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, कोई आंकड़ा देना चाहिए, कोई तथ्य देना चाहिए, आप उनका तथ्य उठाओ, हमारा तथ्य उठाओ, कोई जनता की बात करो, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो सर जी, आप तो कहां कहां की बातें ला रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करना चाहते हो ये बताइए सर, आप कौन सा एनालिसिस करके हमें बताना चाहते हो, एक मिनट दीपक, आप तो मेरा जवाब दीजिए, आप मेरा जवाब दीजिए दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो, जी जी बताइए, क्या वाकई ऐसा है कि अब कांग्रेस आपसे मोलभाव ज्यादा कर पाएगी? देखिए जब बीएसपी के गठबंधन की बात आई थी तो मायावती जी ने जितनी सीटें मांगी थी कांग्रेस ने मना कर दिया, और कांग्रेस का साफ साफ ये कहना था कि इतनी सीटें हम नहीं दे सकते, मायावती का जो रीजन है वो बहुत रीजनेबल चीज नहीं बोल रही है, वो उनका रीजन बहुत लॉजिकल नहीं लगता कि आपको बेफिजूल में इतनी सीटें दे दें, संगठन में आते समर्थन में आते तो शायद आज जो लीड थी वो बहुत अच्छे से होती, 115 नहीं कुछ ज्यादा होता, लेकिन लड़ाई सीटों पर थी, इसलिए क्या इसलिए जब आप लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, आम चुनाव में जाएंगे, तब ये मुश्किल नहीं होगी, तब ये ईगो क्लैश की लड़ाई नहीं हो जाएगी, मायावती जी कैसे मान लेंगे अपने से किसी कम अनुभवी को बड़ा नेता, क्या मान लेंगी? देखिए अनुभव से बड़ा नेता कोई नहीं होता है, अनुभव से नेता कोई नहीं होता है, देखिए क्या मैं आपको बता दूं, मैंडेट से नेता होता है, उसके पास कितना सही सीट है उससे नेता होता है, अनुभव से कोई नेता नहीं होता, पहली बात ये, तो ये फिर आपने सच में कर दी ना एकदम क्षेत्रीय दल वाली बात, आपने ये कह दिया कि जिसके पास बड़ी सीट है वो बड़ा नेता, ऐसा होता है जी? मेरी तो थ्योरी बदल गई, ये तो सवाल यही, ये तो पार्टी की बात हुई ना, नेता तो अलग होता है, नहीं देखिए राजनीति और नेतृत्व के जो मायने बदले हैं पिछले कुछ सालों में, नरेंद्र मोदी को उसी विरोध में तो वोट मिला था कि ये क्षेत्रीय दल जो दबाव डालते हैं, सरकारें कमजोर होती हैं, मनमोहन सिंह को विदेश नीति बदलनी पड़ी, भैया हमारी इतनी सीट है नहीं मानेंगे श्रीलंका पर तो हम समर्थन वापस लेंगे, डीएमके ने कहा और वापस ले लिया समर्थन, हाँ। क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति है, हाँ। तो ईरान पर जब मनमोहन सिंह परेशान हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी से बात करनी पड़ी, क्योंकि वामपंथी दल कह रहे थे कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, अटल जी ने कहा कि नहीं ये देश का मुद्दा है, बीजेपी को विरोध नहीं करना चाहिए, बीजेपी मान गई। तो ये जो आज आ गया है कि जितनी सीटें हम जीत लेंगे उतने बड़े नेता हो जाएंगे, इसी से ये देश थक के नरेंद्र मोदी के पक्ष में चला, एक बड़ा कारण था, फिर ये चीजें आएंगी ना तो 2019 में इससे भयभीत होकर फिर मोदी के पास जाएंगे, यही तो सोच को बदलने की जरूरत है इस देश में, कि नेता वो है जो एक विचार को लेकर के, जो जनता के बीच काम करके, उसको सीटें एक आए दो आए वो मायने बाद में है, उसको जनता नेता स्वीकार कर रही है वो मायने होता है। तो अब दीपक पांडे को अवधेश जी ये बताइए, अवधेश जी आपसे एक प्रश्न है, ठीक है आप ये बताइए, आप जनता नेता तो आडवाणी जी को भी मान रही थी, जनता बहुत ज्यादा उनको प्रेफरेंस दे रही थी, बहुत बड़ा नेता मान रही थी वो, उनको आज मार्गदर्शक में रखा गया है, उनको नहीं नेता बना सकते थे? देखिए क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे सीटें आई, उन्हें नेता बनाया गया, वो तो पार्टी का आंतरिक है, नहीं सवाल करिए, लोकतंत्र की बात नहीं है, नरेंद्र जी मोदी जी के चेहरे पे सीट आई थी, उनका हवा था जो भी बोला गया, इसलिए उनको नेता बड़ा माना गया, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, बहुत लॉजिकल बात करते हैं, आराम से बात कर सकते हैं दीपक जी, आराम से कर सकते हैं बात, दीपक सुनो, अगर मैं कहूँ, सुनो मैं आपको कहूँ आप चुनाव लड़ लीजिए, तो ये कोई मैं थोड़ी डिसाइड कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छे नेता बन सकते हैं, ये मेरा सोचना हो सकता है, अगर ये आपकी पार्टी नहीं सोचती तब तक आपको थोड़ी टिकट मिल जाएगा, ये आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र का मसला है ना, मैं मायावती जी से बैठने से थोड़ी कहूंगी कि दीपक जी को टिकट दिला दीजिए, दिस इज नॉट ऐसी चीज नहीं है ना, कि ये बहुत इजी हो कि आप डिसाइड कर लें कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी साहब को क्यों नहीं दे दिया,
भाई वो क्या मायावती जी के पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, लेकिन वो अभी नेता हैं क्योंकि उनके समर्थक हैं। अरे लोग उनकी राजनीति वही बात है, मैं वही चीज कर रहा हूँ अवधेश जी, मैं वही चीज कर रहा हूँ जिसके वजह से पार्टी का अच्छा लाभ हो, अच्छी सीटें आए, वो बड़ा नेता होता है। दीपक जी जरा सुन भी तो, दीपक जी जरा सुन लिया करो, आराम से बहस हो सकती है इस पर लड़ने की हमारे आपके बीच क्या जरूरत है? आराम से बहस होगी, आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, मैं सवाल करूंगा आप जवाब देंगे। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बहुत आराम से हम बात कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए आपने भाजपा पर जो प्रश्न किया था, बिल्कुल आराम से कर, जो भाजपा पर आपने प्रश्न किया तो मैं भाजपा को उस बीमारी से मुक्त नहीं कर रहा हूँ। आज की राजनीति की बीमारी भाजपा में भी है, आज की राजनीति की बीमारी हम लोग जिस राजनीति की संसदीय लोकतंत्र में कल्पना करते हैं उसमें जनता वो है जो जनता के मुद्दों पर लड़े, मुद्दों पर लड़के सामने आए, उसके पास एक विचार हो, देश को दिशा देने की हैसियत हो, तो वो नेता होगा जो ईमानदार हो, जो दूसरे को प्रेरित कर सके अच्छा काम के लिए, जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम, ये सब चीजें नेता में गुण होना चाहिए। अब आजकल कौन नेता किस पार्टी का बन रहा है अवधेश कुमार के हाथ में नहीं है। नहीं, नहीं, देखिए दीपक मुझे मतलब वाकई सर मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ सर, मैं यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ, कौन कितनी सीटें जीत के ला सकता है, ये तो आप ये कौन सा नहीं नहीं, नहीं मैं छोटी बात नहीं, देखिए माधुरी जी आपने कुछ गलत ले लिया, मैं इसी को समझाने की तब से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस नेता की वजह से पार्टी को लाभ हो, हाँ मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था जिस नेता की वजह से, चाहे आप किसी पार्टी से ले लीजिए, जिस नेता की वजह से पार्टी में अच्छी वर्चस्व हो, पार्टी जीते, उसी नेता को तो बड़ा नेता कहेगा। मैं मुझे नेता बना दीजिए, मेरे वजह से पार्टी हारती चली जा रही, हारती चली जा रही, मैं क्या बड़ा नेता थोड़ा हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। मतलब मैं तो नेता पार्टी मतलब मैं पार्टी तभी जीतेगी ना, जब गांधी जी बात 1932 से किसी पार्टी में नहीं थे, देश के नेता हुए, अंबेडकर जो है बाद में पार्टी बनाए, लेकिन देश के नेता थे वो, नेता लोगों के लिए होता है। आप देश में जिसकी सबसे ज्यादा पार्टी लेवल पे बात कर रहा हूं, पार्टी लेवल पे तो तभी नेता होगा जब पार्टी के लिए कुछ करेगा। देखिए वो मैं नहीं थे, वो तो विचारधारा रखते थे, लोगों के लिए सोचते थे, और नेता लोगों के लिए होता है, उसके लिए काम करने के लिए नेता होता है, नेता पार्टी के लिए नहीं होता कि पार्टी नहीं, यहाँ पे तो रिफरेंस देके पार्टी के तौर पे बात चल रही है, पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, माधुरी जी पार्टी का नेतृत्व करता है, नेता पॉलिटिकल डिबेट हो रही थी, मैं उसके रेफरेंस में बोला, एक डिफरेंस बिटवीन पार्टी और जनता, एक नेता जनता के लिए बनाया जाता है जिसे पार्टी नियुक्त करती है। मैं पॉलिटिक्स के रिफरेंस में बोला, पर्टिकुलर पार्टी के रिफरेंस में बोला, मैं भी जानता हूँ भाई, मैं भी तो पॉलिटिक्स के रेफरेंस में ही बोल रही हूँ, इतना तो समझ पाई होंगे आप लोगों के चुनाव और चुनाव कैसे समझ गए। ठीक है दीपक, अलग चीजें होती है और पार्टी लेवल पे अलग चीजें होती है, क्या कबूल कर पाएंगे? देखिए दीपक मैं कई हद तक सहमत हूँ जो कह रहे हैं कि नेता बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है सर, इससे भी आप नहीं अलग हो सकते। जिस पार्टी के पास ज्यादा सीट होती है, जैसे सपोज आज कांग्रेस के पास है और डे बाय डे कांग्रेस तरक्की कर रही है, तो उसको उसी हिसाब से परफॉर्मेंस दिया जाता है राजनीति में आज के टाइम में। और ठीक है कि आप नेता, हम किसी को भी काउंट करें, चाहे मायावती जी बड़ी नेता है, मुलायम जी भी है, सब है, लेकिन आज आपका ये कहना कि आज की राजनीति में आप इसको भूल जाएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत, आज क्या कह रहे हैं सब, जो पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी उसका वो नेता प्रधानमंत्री बनेगा, आज पब्लिक लिए चल रहा है, तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बाबा। लेकिन एक मिनट, मैं अपनी बात को खत्म कर लूं, और दूसरी बात, जहां जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है पांचों राज्य में, उसका विकल्प कौन है? उसका विकल्प कांग्रेस ही तो है भाई, माना कि एक आध सीट कम है, उसका विकल्प महागठबंधन है, उसका विकल्प ये उसका विकल्प संसदीय लोकतंत्र जो है। इसको मैं मानता हूं कि अपने आप में एक आइडियोलॉजी, ये भी एक विचारधारा है, बिल्कुल। इसमें अगर संभल के पार्टियां नेता नहीं रहे तो इसमें ये राजनीति को विकृत भी करती है। तो हमारे देश में जो कुछ दीपक जी बोल रहे हैं और जो दिनेश जी बोल रहे हैं, ये वर्तमान राजनीति के विकृतिकरण के से उपजी हुई सोच है। ये राजनीति बदलना चाहिए, हमारे देश में नहीं, ये बदलना चाहिए।
चाहिए और देश के नेता थे, आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जरूर थे, अटल जी देश के नेता, अटल जी देश के नेता, वो मैं कह रहा हूँ कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को सीट चुनाव हार गए थे लेकिन वो फिर भी देश के नेता थे। राजीव गांधी ने कहा कि इनको राज्यसभा में लाओ, हमको इनको रहना चाहिए राज्यसभा में, विदेश में राहुल राजीव गांधी उनको नरेंद्र मोदी विपक्षी को खत्म करने में, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि मोदी वर्सेस ऑल जब होगा तो क्या राहुल गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाएगा? देखिए कद जरूर बढ़ेगा लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, ये एक और बड़ी परीक्षा होगी कि क्या उन्हें महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए, और अगर वो नहीं तो फिर जनता के सामने विकल्प क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, मेरे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।